अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कलाम हक मोहम्मद नईम मखदूमी के साथ, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं खरबूजे के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिसके ज़रिए हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खरबूजे के बारे में क्या इरशाद फरमाया, इसे कब खाना चाहिए। तो आइए पहले हम खरबूजे के बारे में जान लें। गर्मी के मौसम में आने वाला स्वादिष्ट खरबूजा स्वाद के साथ साथ पानी और कई पोषक तत्वों का भी खजाना है, जो आपको सेहत के साथ साथ सौंदर्य से जुड़े कई फ़ायदे दे सकता है। नंबर एक, खरबूजा शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करता है, साथ ही इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स आपको ऊर्जावान बना रखने में मदद करते हैं। यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखता है। नंबर दो, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बढ़ती उम्र को रोकने के साथ साथ तनाव कम करने में भी मददगार है। यह आपकी त्वचा को जवा बनाए रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी देगा। नंबर तीन, खरबूजे का नियमित रूप से सेवन दिल के दौरे से आपको बचा सकता है, रक्त की नलिकाओं में रक्त के जमने या थक्का बनने से रोकने में ये कारगर उपाय है। इस तरह से आप दिल के दौरे से बच सकते हैं। नंबर चार, खरबूजे का सेवन या फिर इसके गूदे को चेहरे पर लगाना त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। इससे धूप से झुलसी हुई त्वचा ठीक होती है और त्वचा में नमी बरकरार रहने के साथ ही ताजगी दिखाई देती है। नंबर पाँच, खरबूजे में मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों, त्वचा व बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, जो आँखों के लिए बेहद लाभप्रद है। नंबर छः, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो खरबूजा आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और पानी होता है। इसके अलावा इसमें शर्करा की मात्रा भी कम होती है, जो आपका वज़न बढ़ने से रोकती है। नंबर सात, पाचन संबंधी समस्याएं होने पर भोजन के साथ या इसके अलावा खरबूजे को अपनी डाइट में शामिल करें। यह पाचन में सहायक होगा और कब्जियत की समस्या को दूर करेगा। नंबर आठ, गर्मी के दिनों में पेट एवं शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या बहुत होती है, इससे बचने के लिए खरबूजा बेहतरीन तरीका है। ये पेट में गर्मी बढ़ने से रोकेगा और गर्मी के दुष्प्रभावों से भी आपको बचाएगा। तो आइए अब जानते हैं आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है खरबूजे के बारे में। तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो डॉक्टर आज बता रहे हैं हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये 1400 साल पहले ही बता दिया था। नाज़रीन, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग खरबूजे के बारे में जानें। और जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।